मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शिवराज सरकार ने किसानों के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से 0% ब्याज की सुविधा फिर से शुरू कर दी है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किसानों के लिए यह सुविधा बंद कर दी थी। मध्य प्रदेश में किसान राजनीति का केंद्र बना हुआ है। सभी सरकारें किसानों के बेहतरी के दावे करती रहती हैं। गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 0% ब्याज की सुविधा पुनः शुरू हो गई है। कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही थी कि सहकारिता बैंक पैसा काट रहे हैं। नरोत्तम ने कहा कि ये सरकार किसानों को तत्काल 0% ब्याज पर पैसा दे रही है। इस योजना को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। सीएम शिवराज ने इस योजना को फिर से चालू कर दिया है। एक भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी कि बैंक सहकारिता के हैं, वो कोई पैसा काट रहे हैं। अरे भाई, ये सरकार वो सरकार है जो आपको तत्काल 0% ब्याज पे पैसा दे रही है। इस कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था 0% ब्याज, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर चालू कर दिए। इसलिए बैंक ले न ले, आपको पैसा मिलेगा, बेबाक तो होइए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।